आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक बार फिर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक मासूम पर चाकुओं से वार होते रहे और लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे। बता दें कि रविवार रात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक दरिंदे ने नाबालिग पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने 16 वर्षीय किशोरी पर चाकू से करीब 16 बार वार किया था, जिसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और इस वारदात को वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। ऐसे में देश की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि इस मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ साहिल ही साक्षी का हत्यारा है, या फिर वो लोग जो मौत का तमाशा देखते रहे, या फिर वो पुलिस जो वक्त पर काम ना आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को सोमवार को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, साहिल की गिरफ्तारी के दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसमें साहिल के हाथ में कलावा बंधा दिख रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि साहिल इस्लाम धर्म से है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या साहिल साक्षी को धोखा दे रहा था। तमाम तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। वहीं इस मामले को लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जघन्य हत्याकांड को लव जिहाद से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि गली गली केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बता दें कि दिल्ली में कल बेहद ही जघन्य अपराध को वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं आरोपी की जब गिरफ्तारी हुई तो एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हुई, जिसमें आरोपी हाथों में कलावा बांधे हुए नजर आ रहा, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्माती जा रही है। वहीं कई लोग इसे लव जिहाद का मुद्दा भी बता रहे हैं। ये वही वीडियो है जब आरोपी वारदात की घटना को अंजाम दिया। बता दें, महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जिसमें मासूमों पर चाकुओं से वार होते नजर आ रहे हैं। वहीं लोग मूक दर्शक बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ये मामला दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से है, जहां दरिंदा नाबालिग पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। बता दें, आरोपी ने 16 वर्षीय किशोरी पर चाकू से करीब 16 बार वार किया है, जिसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ तो आप वीडियो में देख सकते हैं, उसने पत्थर से कुचल कर उसको मौत के घाट उतार दिया और इस वारदात को वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे अपराध को रोक सके। ऐसे में देश की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। ये वही लोग हैं जो तमाशबीन बनकर खड़े रहे, किसी ने हिम्मत तक नहीं की इस मासूम को बचाने की। तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ साहिल ही साक्षी का हत्यारा है, या ये वही लोग हैं जो तमाशा देखते रहे, या पुलिस जो वक्त पर काम ना आए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को सोमवार को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, साहिल की गिरफ्तारी के दौरान एक तस्वीर भी सामने आई, जिसको लेकर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं, जिसमें साहिल के हाथ में कलावा बंधा दिख रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि साहिल इस्लाम धर्म से है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या साहिल साक्षी को धोखा दे रहा था। वहीं आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस आरोपी को दिल्ली लेकर गई है, जहां लगातार पूछताछ जारी है। वहीं इस मामले को लव जिहाद से भी लगातार जोड़ा जा रहा है। जघन हत्याकांड ये दिल्ली में घटी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ केसी जैन जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से आरिफ हमसे जुड़े हुए हैं और
वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं। आमिर, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। केसी जैन जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। ऐसी घटनाओं पर सियासत शुरू हो गई है, पर दर्द के मरहम का क्या, क्योंकि बात बेटी की है, सुरक्षा व्यवस्था पर जवाबदेही आपकी है, क्योंकि हमने देखा है तमाम मामलों में तारीख पर तारीख हो जाती है। महिला सुरक्षा की बात तो करते हैं, पर महिला सुरक्षा के लिए क्या किया आपने? देखिए, पहली बात तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, और पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, और जिस प्रकार से साक्षी की चाकू से गोद करके सरेराह हत्या होती है, उसमें समाज की पूरी साक्षी भागीदारी और साझी जिम्मेदारी उसमें सुरक्षित। देखिए, हर व्यक्ति के पीछे 24 घंटे कहीं की भी किसी प्रदेश की पुलिस हो, किसी प्रदेश में किसी की सरकार हो, नहीं रख जो है उसके पीछे नहीं रह सकती है। लेकिन जब ये जबरन मांतरण का मामला सामने आया, या अपने धर्म को छुपा करके लफजहाज जैसी घटनाएं सामने आई, और इसके ऊपर जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून बनाया, उस पर कितना हो हल्ला हुआ, कितना शोर शराबा हुआ, विपक्ष ने पूरा बाल सिर पे उठा लिया, तो ये सारी चीजें सरसार करने वाली। और जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो इसकी मजम्मत करने के बजाय, इसकी आलोचना करने के बजाय, केवल और केवल सवाल इतना उठता है, सर, जिस तरह घटना घटी है, मासूम को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया है, आपको नहीं लगता कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कमी रह गई है? अब आप जहां पर आप हैं, जहां पर हम हैं, यहां पे अगर अचानक इस तरीके से कोई घटना हो जाए, मुख्य बात यह है कि जो पीड़ित है, जिसकी हत्या हो गई साक्षी की, उसको कत्ल करने वाला कौन व्यक्ति है और किस तरीके से कत्ल हुआ। इसके पहले यही दिल्ली में ही फ्रिज के अंदर 32 टुकड़े 64 टुकड़े कर करके एक बेटी की लाश मिलती है, तो ये जो इस तरीके तो सर, कैसी कानून व्यवस्था की डर ही नहीं है लोगों में? देखिए, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और इसको पकड़ा गया है, इसपे सख्त कार्रवाई होगी, इसीलिए नए नए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कानून व्यवस्था पे, यही लोग जब कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं कि भाई कोई भी किसी से प्यार करता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, प्यार करने वालों को रोक रही है, उन पे बंधन कर रही है। प्यार करना गुनाह नहीं है, और ना ही अगर अलग अलग धर्म के लोग प्यार करते हैं उसमें दिक्कत है। दिक्कत यही है जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जो अपने धर्म को छुपा करके हिंदू बेटियों को गुमराह करके और उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसा करके, और उसका अंत क्या होता है, अंत यही साक्षी जैसी बेटी का जैसे अंत हुआ, ऐसे अंत होता है। इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्प है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, और इसीलिए जो ये कानून बनाया गया, जबरन धर्मांतरण ना हो, लव जिहाद जैसी घटनाएं ना हो, इस पे तमाम सारे बवाल हुए, तमाम सारे वाद विवाद हुए, कहा कि भाई आप जबरदस्ती किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। धर्म विशेष क्या कर रहा है हिंदू बेटियों के साथ में? अभी आप देखिए, जब केरल स्टोरी आती है फिल्म, उसके बाद में क्या होता है, कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं, और उस फिल्म में जो दिखाया गया वो क्या गलत दिखाया गया? तमाम सारी बेटियों ने महसूस किया कि एक धर्म विशेष के लोग और उसके परिवार के लोग किस प्रकार से उसको अपने झांसे में लेकर के और किस तरीके से धर्म परिवर्तन करवाते, ठीक है, ये भी जबरन धर्म परिवर्तन ही है। और अगर धर्म परिवर्तन नहीं करते तो उसको चाकू से गोद करके हत्या कर दी जाती है, उसके 64 टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगने के लिए ही इस तरीके की सख्ती की और इस तरीके की कानून की आवश्यकता है। और जब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे कार्रवाई करती है, तो विपक्ष सामने आ जाता है कि नहीं, आप धर्म विशेष पे टारगेट कर रहे हैं, धर्म विशेष के ऊपर आप
इस तरीके का हमला कर। ठीक तो है, इसलिए इस चीजों की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसीलिए कहते हैं कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ जिस प्रकार से मुस्लिम भाई जिस प्रकार से अपने धर्म की पूरी शिक्षा देते हैं, वैसे ही मदरसों में जो शिक्षा देते हैं, वैसे ही हिंदू भाइयों को भी अपनी धार्मिक शिक्षा अपने बेटों को अपनी बेटियों को देना नितांत आवश्यक है। जी ठीक है, आरिफ जी मैं आपके पास आऊंगी। इतनी बड़ी घटना पर अखिलेश यादव अभी तक कुछ नहीं बोले, क्या दर्द नहीं है उस बेटी के लिए या फिर राजनीति है, क्योंकि बेटी हिंदू की थी और हत्यारा मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक रखता है। देखिए यही विडंबना है हमारे देश की, पिछले कुछ सालों से ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि अपराध को भी जातियों में और धर्मों में बांट दिया गया है। सबसे पहले तो ऐसी जघन्य घटना के लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ऐसी घटनाओं में जितने भी लोग हुए या किसी भी धर्म और जाति, उनके लिए मैं न्यायालय से मांग करता हूं कि उनको फांसी दी जाए। आपके अखिलेश यादव क्यों सामने नहीं आए सर, इतनी बड़ी घटना घट गई, बेटी की हत्या कर दी गई, मासूम की हत्या कर दी गई, तमाम मुद्दों को उठाते हैं, इस मुद्दों को लेकर सामने क्यों नहीं आए? अखिलेश यादव जी से आपने अपने उनके विचार लिए? अगर आप उनसे विचार लेने जाएंगे तो वो निश्चित रूप से अपनी भावना। हमेशा आप ट्वीट करते रहते हैं, अखिलेश यादव हमेशा तमाम मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने ना कोई ट्वीट किया ना उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। आना या ट्वीट करना एक अलग बात हो गई, लेकिन जब आप किसी से पूछेंगे सवाल कि आपका इस पर क्या व्यू है तो वो अपना अपना प्रतिक्रिया देंगे। वो पहली बात सर, विपक्ष के नाते तो आपके पास पूरा अधिकार है, कानून व्यवस्था पर हमेशा आप सवाल खड़े करते हैं, अब की क्या हो गया, बेटी की हत्या की गई लेकिन कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्यों नहीं? कानून व्यवस्था पे बराबर सवाल उठाया जाता है और कानून व्यवस्था जो है वो जिनके हाथ में है वो भी जान रहे हैं, वो लोग इसको दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी तय करें कि आज कानून का भय शून्य हो चुका, मामूली से लोग जो है हत्या करने को उतारू हो गए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ये जो माहौल बन गया है इसके पीछे क्या है और इसका समाधान क्या है, अगर हम इस पर गौर करेंगे जातियों में और धर्मों में न बट करके तो हम निश्चित रूप से इन तरह की घटनाओं पर कमी पाएंगे। और अगर हम एक दूसरे की आलोचना करेंगे सर, आप साक्षी की हत्या पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, सड़क पर कब उतरेंगे? सड़क पर कब उतरेंगे? कोई भी आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने प्रतिक्रिया है तो हमारी, हम कह तो रहे हैं कि ऐसे कांड में जितने भी लोग शामिल हैं, कानून व्यवस्था को लेकर आपने सवाल नहीं खड़े किए, और पुलिस से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ चार्जशीट लगाए मजबूत से मजबूत धारा में और उन्हें फांसी होनी चाहिए। अब इससे बढ़कर के क्या, अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के रूप में मैं कह रहा हूं इस बात, ठीक है, लेकिन सत्ता पक्ष भी अपने अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। आज ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? हम क्या परोस रहे हैं मोबाइल पर, हम क्या परोस रहे हैं टीवी पर, हमारे बच्चों पे इसका क्या असर पड़ रहा है, हम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? अभी मैं पढ़ रहा था, एनसीआरबी का डाटा बताता है कि जो सामान हत्याएं हैं आपसी रंजिश की या संपत्ति की या शत्रु विवाद की, उन सब में कमी आई है, लेकिन प्रेम परपंच की हत्याओं में 28% की वृद्धि हुई और उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। आज इस तरह का माहौल सत्ता किसके हाथ में है, वो वातावरण अच्छा क्यों नहीं बना रहा, वो दोषारोपण क्यों विपक्ष के कर रहे हैं? विपक्ष के हाथ में तो सत्ता है ना, विपक्ष के हाथ में सत्ता नहीं है, विपक्ष मांग कर सकता है, इंप्लीमेंट करना सत्ता पक्ष का काम है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के बजाय सत्ता पक्ष इसको धर्म और जाति की तरफ कर देता है। जी ठीक है, आमिर साबरी जी मैं आपके पास आऊंगी, क्या लगता है ये किसका फेलियर है, सिस्टम का या शर्मसार होती इंसानियत का या फिर एक एजेंडा कहा जाए जिसको लेकर हिंदू लड़कियों के साथ ऐसी लगातार घटनाएं घट रही हैं, पहल क्यों नहीं होती?
धन्यवाद मयूरी जी कि आपने चर्चा में शामिल किया, हमारी आवाज हमी को लौट रही है, इसको थोड़ा सही करा दीजिए। देखिए मयूरी जी जी, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है कानून व्यवस्था की और बात है कानून के इकबाल की, बात है मेरे देश के लचर कानून की, या यूं कह दिया जाए कि नपुंसक कानून की। इसलिए कि जब इस देश के अंदर दो तरीके के कानून होंगे, सत्ता के लिए अलग, विपक्ष के लिए अलग, कमजोर के लिए अलग, जबर के लिए अलग, पूंजीपति के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, तो जाहिर सी बात है कि ये घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। देखिए मयूरी जी, आपको याद दिला दें कि इसी देश के अंदर और जहां की कल घटना हुई है राजधानी के अंदर, पिछले काफी दिनों से महिला पहलवान धरना प्रदर्शन दे रही है, किस चीज को लेकर के, ब्रजभूषण के खिलाफ FIR हो, ब्रजभूषण को जेल भेजा जाए। ऐसा भी हुआ है कि मामला पास्को एक्ट में दर्ज हो गया, लेकिन उसके बावजूद ब्रजभूषण जैसा बेशर्म व्यक्ति सदन के अंदर उद्घाटन में मौजूद और महिलाओं को पैरों तले, वो पुलिस रौंद रही है जो 100-100 रुपए लेके, 50-50 रुपए लेके बाइकें छोड़ देती है और चालान करती है, 100-100, 50-50 रुपए लेकर के रिश्वत खाने वाले लोग उन महिलाओं को पैरों तले रौंद रहे हैं जो इस देश का गौरव है, इस देश का सम्मान है, इस देश के तिरंगे की शान रखते हैं। ठीक है, देखिए मयूरी जी, ये घटना जो है, सुन लीजिए पूरी बात, ये घटना इस महीने की चौथी घटना है जी। एक घटना मई के शुरू में हुई थी कि 6 साल की मासूम की बच्ची थी जिससे दो लोगों ने बलात्कार किया, उसके बाद उसको मरणावस्था में फेंक दिया। दूसरी घटना इंस्टाग्राम पे एक जितेंद्र भाटी नाम का लड़का है, एक साहिबा मुस्लिम लड़की को फंसाता है, उसके बाद झगड़ा होता है 15 मई की रात में, जब वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है उसके बाद वो उसको मार डालता है, मारने के बाद जाके उसकी लाश को तालाब में फेंक जाता है। तो देखिए मयूरी जी, इन तमाम चीजों को लेकर के हिंदू मुस्लिम करना का कोई मकसद मेरी समझ में नहीं आता है। देखिए अपराध अपराध ही अपराध है और अपराधी किसी भी मजहब का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, अपराधी अपराधी है, उसके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे किसी अपराधी के साथ पेश आते हैं। देखिए ये सब हिंदू मुस्लिम करना मयूरी जी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नहीं है, हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना बहुत गलत है। आज हमारा देश कहां पहुंच गया इसी हिंदू मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी इसे लव जिहाद बता रही है। वही मैं उसी पर आ रहा था, जैसे भी हमारे केसी जैन साहब ने कहा कि जब कोई कार्रवाई करिए तो विपक्ष सामने आ जाता है। अरे भाई कहां सामने आया विपक्ष आपके सामने, आप बताइए आपने कितनी कार्रवाई करी ब्रजभूषण के ऊपर, आप बताएंगे। अभी 15 मई का मैंने घटना आपको बताई, उससे पहले की घटना 6 साल की बच्ची बताई, कहां कार्रवाई सत्ता ने करी। अगर सरकार कार्रवाई करती है तो उत्तर प्रदेश की घटना है, चलिए दिल्ली छोड़ दीजिए, शासन अगर कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे तो विपक्ष की औकात नहीं है। विपक्ष जब बोलता है, विपक्ष की बात रही तो मैं बता दूं सपा सरकार में भी इस तरीके घटनाएं घटती रही, तब आप विपक्ष में थे, तब आपने क्या करा, आप भी सामने आते थे। हर सरकार, देखिए विपक्ष का काम ही है सरकार के अच्छे काम में भी रोड़ा डालना, लेकिन अफसोस की बात यह है और बड़ी शर्मनाक बात यह है मयूरी जी कि हर अपराध को हिंदू मुस्लिम के चश्मे देखना ये बहुत अच्छा नहीं है। आमिर जी, जिस तरह से साक्षी को मौत के घाट उतारा गया, वहां तमाम लोग मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी का भी, आपने केसी जैन जी को सुना, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम सुदृढ़ है, तो किसको इसका जिम्मेदार माना जाए। देखिए मयूरी जी बहुत सही बात है, क्या सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है हमें बताएं। अभी हमने आपको 15 मई की घटना बताई और मई के फर्स्ट वीक की एक घटना बताई, 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दो लोगों ने बलात्कार किया, उसके बाद उसको मरणावस्था में फेंक दिया। 15 मई को एक मर्डर हुआ, जितेंद्र भाटी नाम का एक साहिबा नाम की लड़की करता मर्डर, हत्या करके तालाब में फेंक जाता है, तो कहां कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था बिल्कुल इनकी नपुंसकता की उसमें चली गई है, कहीं कानून व्यवस्था बहुत लचर है। अभी हमने बताया ना कि ब्रजभूषण को लेकर के देश की वो तमाम महिलाएं, पहलवान महिलाएं जो मेरे देश का गौरव है, मेरे देश का सम्मान है और प्रदर्शन कर रही, धरने पर बैठी है, क्या कार्रवाई हुई आप बताइए। पास्को एक्ट में मुकदमा हो गया और उसके बाद ब्रजभूषण छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, क्या मतलब है इस चीज का आप बताइए। आप मुझसे तमाम छोटे छोटे मामलों में पुलिस फौरन FIR करती है, तुरंत जेल भेज देती है, और कोई मामला ना हो तब भी 151 में एक तरफा जेल भेज देती है। जहां ये पुलिस का व्यवस्था है वहां ये पुलिस की व्यवस्था है, इतनी बड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। तो जब जिस देश की, जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर होगी, कानून व्यवस्था दोहरी होगी,
तो मयूरी जी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, अपराध कदापि नहीं रुक सकते और कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। जी केसी जैन जी, जिस तरह आपने सुना किस तरह से महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, कैसे माना जाए कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? देखिए, जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने पक्ष रखा, मैं कतई उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। और हर एक मामले को किसी एक मामले से विशेष बना करके छोड़ देना मतलब नहीं है। मैंने बीच में कोई इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, ब्रजभूषण के केस से इस केस को जोड़ना बहुत ही निंदनीय है, और आमिर साहब की क्या मानसिकता है, ये हमेशा कट्टरपंथी अपनी मानसिकता को जब भी टीवी चैनल पर बैठते हैं तो आपको आईना दिखाया केसी जैन जी, हमारी कोई मानसिकता बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं ना, ये पूरा मोर्चा संभालते हैं हत्यारों की तरफ से, बलात्कारियों की तरफ से पूरा मोर्चा हमें संभालते हैं। आमिर जी आपके पास आऊंगी मैं, सुन लीजिए केसी जैन जी को सुन लीजिए, हम सुन रहे हैं, अगर मुस्लिम है उसकी तरफ से पूरा मोर्चा संभालते हैं। मेरा काम सिर्फ आईना दिखाना है, मनवाना नहीं है, आप माना चाहे का मामला कहा चाकू से गोद करके कलावा बांध करके हिंदू बन करके एक साक्षी बेटी की हत्या करना है। अरे सर, अब सवाल कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की है को मिक्स करना, नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुनिए मयूरी जी, बिल्कुल देखिए जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जहां पर एक परिवार के लोग एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार के व्यक्ति दूसरे सदस्य की हत्या कर दे, एक प्रेमी दूसरी प्रेमिका की हत्या कर दे, तो हर जगह पे पुलिस नहीं रह सकती है। लेकिन ये जो गंदी मानसिकता है, जो मदरसों में प्रशिक्षण दिया जाता है रेप हत्या बलात्कार डकैती हिंदू लड़कियों को फंसाने की, ये उसका परिणाम है, और ये सारे मदरसों में नहीं होता। लेकिन कट्टरपंथी जो मदरसे है वहां पे ये बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे भी है जहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरकार ये चाहती है, आमिर साहब लेकिन मदरसों में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो बिल्कुल जो है गलत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसी का परिणाम होता है कोई भी अपनी प्रेम का इस तरीके से नहीं कर सकता, वही करेगा जो बहुत कट्टर विचारधारा का। क्या गलती थी उस बेटी की, बेटी की क्या गलती थी? आमिर जी आपको मौका दूंगी, सुन लीजिए केसी जैन जी को, सुन लीजिए आपके पास भी आऊंगी। नहीं सुनेंगे, ये कट्टरपंथी व्यक्ति है और बहुत गंदी मानसिकता का व्यक्ति है, ये हमेशा आतंकवादी मानसिकता के लोगों को, बलात्कारियों को, और जो मुस्लिम बलात्कारी है, मुस्लिम आतंकवादी है, मुस्लिम हत्यारे है, उसको बचाता है बैठ करके। ठीक है, आरे जी मैं आपके पास आऊंगी। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि आमिर साहब बात सुन नहीं रहे, इसलिए हमें ये बात कहनी पड़ रही। देखिए मयूरी जी, बात यह है जो लोग कट्टरपंथी विचारधारा के हैं उनकी मजम्मत करनी चाहिए। जब तंत्र तंत्र से जुदा के नारे लगते हैं तो यही आमिर साहब मैदान में आते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा काम किया तो गर्दन काट लीजिए। एक टेलर की अगर गर्दन कट जाती है तो आमिर साहब जैसे लोग आते हैं उसकी बहुत ही उत्साहवर्धन करते हैं, उन लोगों की तारीफ करते हैं जो हत्यारे हैं, और यहाँ पर भी ये हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रजभूषण के केस से जोड़ करके इस नेशन हत्या को, इस नेशन हत्या को ब्रजभूषण के केस से जोड़ करके ये क्या दिखाना चाहते हैं कि मदरसों में बहुत अच्छा प्रशिक्षण हो रहा है, इसने हत्या करके बहुत अच्छा काम किया, 35 चाकुओं से गोद दिया साक्षी को, तो ये इसको
उसपे एफ आई आर दर्ज है, उसपे जांच हो रही है। और 5 साल पहले 7 साल पहले की जो बेटियों ने एफ आई आर दर्ज कराई है उसपे पुलिस जांच कर रही है। ना ये जज बन जाएंगे, ना हम जज बन जाएंगे, ना मयूरी जज बन जाएंगी। ये इस केस को डायल्यूट क्यों कर रहे हैं? इसलिए डायल्यूट कर रहे हैं क्योंकि रेपिस्ट अगर मुसलमान है, अगर हत्यारा मुसलमान है, मदरसे का प्रिंसिपल है, तो इसको आनंद आता है। वाह, बहुत अच्छा किया आपने तो एक मस्जिद बनाने का काम कर दिया एक बेटी की हत्या करके। ये इनकी मानसिकता है, बहुत ही गंदी मानसिकता है। ठीक है आरिफ जी, मैं आपके पास आऊंगी। आमिर जी अपनी बात रखें जल्दी से। तब आमिर साहब की बोलती बंद हो गई थी। ठीक है, एक एक कर आप लोग बात रखें। केसी जैन जी, मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको मौका दिया। आमिर जी जल्दी से अपनी बात रखें। डायल्यूट करके क्या कहना चाहते हैं भाई? उसको बचा नहीं रहे, क्या कर रहे? ठीक है, केसी जैन जी आपको पूरा मौका मिला। ठीक है, हत्यारे को बचा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? ठीक है, बैठ करके यहाँ पर कहाँ का केस? आमिर जी आप पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि आप हत्यारे को बचा रहे हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। केसी जैन जी सुन लीजिए भाई, मयूरी जी हत्यारे को बचा रहे हैं, हत्याएं कौन कर रहा है आप बताइए? जेल के अंदर हत्या हो जाती है, कानून व्यवस्था इनकी, गाड़ियां सड़क पर चढ़ जाती हैं, कानून व्यवस्था इनकी, पुलिस कस्टडी में अपराधी आके मार देते हैं, कानून व्यवस्था इनकी। मैं बनुआ भाई को जितेन भाटी नाम का व्यक्ति साहिबा नाम की लड़की की हत्या कर देता है, कानून व्यवस्था इनकी। ऑडियो गिराना पड़ेगा। हत्या के मयूरी जी एक मिनट मुझे दीजिए। अरे ये कहां सुन रही है आपकी मयूरी जी? नहीं सुन रहा आपने लगातार जैन साहब को मौका दिया, जैन साहब ने अपनी बात कह ली, उनको सुनना चाहिए, सत्ता पक्ष है वो भी सुने। उमेश पाल की हत्या के 55 दिन के बाद जिसने सरेंडर नहीं किया था, पुलिस उसको पकड़ ले गई थी, तब भी ये मैदान में उतर आए थे। कैसी जान दी जा रही है ना बाबू? ये मुसलमानों की हत्या हो रही है, सभी का ये बयान था। सभी हत्या हुई है, पूरे देश ने आपको देखा है कि मुन्ना भी के अंदर कैसी हत्या हुई है, तब कानून व्यवस्था कहाँ थी आपकी? सम्मानित व्यक्ति हैं और अलग अलग चैनलों पे हम लोग साथ बैठे हैं। और जैन साहब थोड़ा सुन ले, जिस मदरसे को आप किसी भी भावना के तहत टारगेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। और अभी भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी एक मदरसे की तारीफ किया था और कहा था कि मेरे गुरु सरकार 600 करोड़ ये सिखाया है। 600 करोड़ आमिर साहब जैसे लोग कट्टरता परोसते हैं ऐसे लोगों को, जी ठीक है, कट्टर लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। हत्यारे की बचपन करिए, आपकी राजनीति ये गलत हो रहा है। जिस दिन आप के नाम लड़ने आए थे टारगेट किया है, कितने लड़के को टारगेट किया, क्यों किया टारगेट? आप भाई मैं मुस्लिम हूँ, अपना सही नाम बताइए, आप क्या करिए, शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हैं आपका नाम है अब्दुल हमीद, नाम बताते हैं। ठीक है, ठीक है, वक्त की कोई कमी है? ठीक है, कठुआ कांड में भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और तमाम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला था, उस छोटी सी बच्ची के बारे में तब आपको नहीं लगा था? आप
देखिए राजस्थान में जो हत्या हुई थी, राजस्थान के हाईकोर्ट पे फतवा फहरा दिया गया था उसके समर्थन में अमित जानी के समर्थन में। क्या बात करते हैं जो मुस्लिम लोग तरह की फैलाते हैं, आज आपको बात करना चाहिए ऐसे माहौल को कैसे सुधारा जाए, इस पर बात करनी चाहिए। जनता ने आपको भेजा है तो इतना अहंकार चर्चा हो रही है, इतना अहंकार ठीक नहीं है। जनता आपको अगर बिठा सकती है गति पर, तो यही जनता आपको हटाने की भी ताकत रखती है। लोकतंत्र बहुत मजबूत है, कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, कहाँ से आती है? ठीक है, शांत हो जाइए केसी जैन जी। और हिंदू मुसलमान पे ये कट्टरता कहाँ से आती है? ऐसा नहीं हो सकता भारत के अंदर। आप ये सभ्यता जो आज आई है, इस सभ्यता को लाने के पीछे कौन था? इस सभ्यता का ठीक है, ठीक है, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि कल रात दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी ने चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतारा, ये वही वीडियो है जिसमें लड़की को मौत के घाट उतारा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी अब गरमाती हुई नजर आ रही है। कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं कानून व्यवस्था पर, तो कहीं लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। लगातार इस पूरे मामले पर सियासत भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।